हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर्स वर्ड बाय ब्राड। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा जो हमारी स्टोरी चल रही है बोली, उसका पार्ट थर्ड। इससे पहले पार्ट वन और पार्ट टू मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने इनको नहीं देखा तो पहले पार्ट वन और पार्ट टू को अच्छे से देख लें, फिर ही आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। इन पार्ट वन और पार्ट टू का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको टेंथ इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप इन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि किस प्रकार बोली, जिसका सही नेम बचपन का सुलेखा था, बचपन में चारपाई से गिर जाती है और थोड़ी सी उसकी बुद्धि कम हो जाती है। बच्चे उसको बोली बोली बुद्धू कहकर बुलाते हैं, और कैसे उसकी घर पर देखभाल नहीं की जाती। ये कुल 7 भाई बहन थे रामलाल के। रामलाल इनके पिताजी का नेम है। 3 बहनें थी, 3 भाई थे। 7वें नंबर पर सबसे छोटी थी बोली। इसको सही तरीके से इसकी देखभाल नहीं की जाती। इसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं, तो ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। बचपन में पहले ज़्यादा सुंदर थी, चेचक के दाग होने के कारण अब ये ज़्यादा सुंदर नहीं रही। तो जब गांव में एक स्कूल खुलता है, तहसीलदार इसके पिता को कहता है कि भाई आप अपनी बेटियों को स्कूल में भेजें। तब भोली की माँ बाकी लड़कियों को स्कूल में ना भेजने की राय देती है कि अगर स्कूल में लड़कियाँ जाएंगी तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा। पर फिर भी वो कहती है कि चलो भोली को भेज दो, क्योंकि उससे तो कोई शादी करेगा नहीं। जब भोली को स्कूल भेजा जाता है, पहले तो वो डरती है। उसको लगता है कि स्कूल पता नहीं कैसा होगा, शायद जिस प्रकार उनकी गाय को बेचा था लक्ष्मी को, उसी प्रकार इसे भी घर से बाहर निकाला जा रहा है। आखिर में जब उसके पिताजी उसको स्कूल में छोड़कर आते हैं, तो स्कूल की प्रिंसिपल उसको अपनी एक क्लास में बैठने के लिए कहती है। तो अब कहानी आगे। बोली डिड नॉट नो वट एग्जैक्टली ए स्कूल वॉज लाइक एंड वट हैपन्ड देयर। वट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज प्रेजेंट देयर। शी होप्ड डैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकेम हर फ्रेंड। बोली को यह पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है और वहाँ क्या होता है, लेकिन वह लगभग अपनी उम्र की लड़कियों को वहाँ देखकर बहुत खुश थी। उसे उम्मीद थी कि उनमें से कोई ना कोई उसकी सहेली ज़रूर बनेगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, बट बोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, द कलर्स फैसिनेटेड हर। The horse was brown, just like the horse on which the tehsildar had came to visit their village. The goat was black, like the goat of their neighbors. The parrot was green, like the parrot she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bolli noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. टीचर जो क्लास में लड़कियों से कुछ कह रही थी, बोली को कुछ समझ में नहीं आया। उसने दीवार पर लगे पेंटिंग को देखा, रंगों ने उसे मोहित कर दिया। मोहित करना होता है फैसिनेट। घोड़ा उसी घोड़े की तरह था, बुरा था, जिस पर तहसीलदार गांव का दौरा करने आया था। बकरी उसकी पड़ोसी की बकरी की तरह काली थी, और तोता उन्हीं तोतों की भांति हरा था जिसे उसने आम के बाग में देखा था। बाग होता है ऑर्चर्ड। और गाय बिल्कुल लक्ष्मी के समान थी। और अचानक बोली ने देखा कि टीचर मुस्कुराते हुए उसके पास आकर खड़ी हो गई। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, तुम्हारा नाम क्या है नन्ही बच्ची। बो शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन डैट। बो वह हकलाने के कारण आगे नहीं बोल सकी। Then she began to cry and tears flood from her eyes in a helpless flood. She kept her
head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. फिर उसने रोना शुरू कर दिया और उसकी आंखों से आंसू विवश बाढ़ की भांति बह निकली। विवश बाढ़ होती है हेल्पलेस फ्लड। वह सिर नीचे किए हुए अपने कोने में बैठी रही। उसे पता था कि लड़कियां उस पर अब भी हंस रही है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी उनको देखने की। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bolly dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. जब स्कूल की घंटी बजी, सभी लड़कियां छोटे छोटे तेज कदमों से कक्षा से बाहर बढ़ गई। छोटे छोटे तेज होते हैं सैक्रेड आउट। परंतु बोली की हिम्मत अपने कोने को छोड़ने की नहीं हुई। अपना सिर अब भी नीचा किए हुए वह सिसकती रही। सिसकना होता है सॉबिंग। बोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। इट टच्ड हर हार्ट। बोली अध्यापिका का स्वर इतना नरम और शांतिदायक था। अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी उसने इस प्रकार संबोधित नहीं किया गया था। इसने इन शब्दों ने उसका हृदय छू लिया। गेट अप सैड द टीचर। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। बोली गॉट अप। खड़ी हो जाओ टीचर ने कहा। यह एक आदेश नहीं था वरन महज एक मैत्रीपूर्ण सुझाव था। बोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम। अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस्ड हर। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमैन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस। She would not laugh at her. उसके पूरे शरीर पर पसीना आ गया। क्या उसकी हकलाती हुई जवान फिर उसे लज्जित कर देगी? फिर भी उसने इस दयालु महिला के लिए एक प्रयास करने का निर्णय लिया। उसकी आवाज़ कितनी शांतिदायक थी। वह उस पर नहीं हंसेगी। बो she began to stammer। उसने हकलाना शुरू कर दिया। Well done, the teacher encouraged her. Come on now, the full name. बहुत अच्छा, टीचर ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। Encourage होता है हिम्मत बढ़ाना। आओ अब पूरा नाम बताओ। बो बोली। At least she was able to say it and felt relieved as it was a great achievement. बो बोली। अंत में यह कहने में समर्थ हुई और उसने चिंता मुक्त महसूस किया, जैसे कि यह एक महान अचीवमेंट थी। वेल डन द टीचर पैथर्ड हर अफेक्शनेटली एंड सैड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। बहुत अच्छा। टीचर ने उसे स्नेहपूर्वक थपथपाया। स्नेहपूर्वक होता है अफेक्शनेटली, थपथपाना होता है पैथर्ड। और कहा अपने दिल से डर भगा दो और तुम सभी की तरह बोलने में सक्षम हो जाओगी। बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। यस इट विल बी वेरी इजी। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। विल यू कम। बोली नॉडेड। नो से इट अलाउड। यस एंड बोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिस्ट डैट शी हैड बीन एबल टू से इट। डिडंट आई टेल यू। नाउ टेक दिस बुक। बोली ने मानो यह पूछने के लिए ऊपर की ओर देखा। सचमुच हाँ यह बहुत आसान है। केवल तुम प्रतिदिन स्कूल आया करो। क्या तुम आओगी? बोली ने स्वीकृति से सिर हिला दिया। नहीं इसे जोर से बोलो। हाँ। और बोली सबे आश्चर्यचकित हो गई। आश्चर्यचकित होता है एस्टोनिस्ड, कि वह यह बोलने में समर्थ हो गई थी।
क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? अब यह पुस्तक ले लो। देखो, टीचर ने जब उसे पहली बार नहीं पूछा, थोड़ी वो हकलाई थी, फिर धीरे धीरे उसने ट्राई की। तो हम यहाँ से ये लेसन सीख सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को ट्राई करोगे तो शायद आप कोई भी अचीवमेंट हासिल कर सकते हो। हमें जस्ट एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए, सब कुछ साइड में छोड़कर, डर को बाहर निकाल के। तो हमें यहाँ से एक मैसेज भी सीखने को मिलता है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। हो सकता है आप भी कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, बट लेसन से हमें कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर चाहिए रियल लाइफ के अंदर। इसे सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखा करो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। किताब बहुत सुंदर से पेंटिंग से भरी हुई थी, और पेंटिंग रंगों से, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, शेर और एक बिल्कुल लक्ष्मी जैसी एक गाय। और प्रत्येक तस्वीर के साथ एक शब्द मोटे काले अक्षरों में लिखा था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, देन ए स्टिल बिगर वन। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न्ड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। पीपल विल लिसन यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइस्ट स्टैमर। अंडरस्टैंड? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। 1 महीने में तुम इस किताब को पढ़ने में सफल हो जाओगी। फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी किताब दूंगी, और इसके बाद इससे बड़ी एक और किताब। समय आने पर तुम गांव में एक अन्य सभी की तुलना में अधिक पढ़ी लिखी हो जाओगी। तब कोई भी कभी भी तुम पर हंस नहीं सकेगा। लोग तुम्हें सम्मान के साथ सुना करेंगे, और तुम बिना थोड़ी सी हकलाहट के बोल सकोगी। समझी? अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी वापस आ जाना। ये बात कही है टीचर ने बोली को। ये बात टीचर ने तो बोली को कही है, कहीं ना कहीं बात एज ए मैसेज ये बात आपको भी कही गई है दोस्तों, कि अगर आप पढ़ लिख गए ना, अगर आप सचमुच पढ़ लिख गए सही तरीके से, तो हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। कोई मैटर नहीं करता कि आप किस कास्ट से हो, किस धर्म से हो, कि आपके पुअर हो, रिच हो, कोई मैटर नहीं करती। एक बार पढ़ लेकर कुछ बन गए तो अमीर से अमीर आपके कदमों में होगा, बड़े से बड़ा भी आपको अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ सुनेगा। तो मैसेज को ध्यान में जरूर रखा करो। बोली, फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लूजम्ड इन टू बिग रेड फ्लावर्स। हर हार्ट वॉज थ्रबिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ। दस द ईयर पास्ट। बोली ने महसूस किया मानो एकाएक गाँव के मंदिर में सभी घंटियाँ बज रही थी, और विद्यालय भवन के सामने वाले वृक्ष बड़े बड़े लाल फूलों से खिल गए थे। उसका दिल एक नई आशा और नए जीवन के साथ धड़क रहा था। इस प्रकार सालों बीत गए। दोस्तों, अब आगे की कहानी पार्ट 4 के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर देना, आपको ये वीडियो कैसी लगी।